शिवानी ने जवाब में लिखा था, जब वो पागल मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़कर आया, उसी दिन में उसका बच्चा जो मेरे पेट में था गिरवा आई थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि शिवानी मेरे भरोसे के लायक नहीं है। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था, ये कैसी माँ है जिसने अपने बच्चे को कोख में ही मार डाला। मैं मान चुका था कि शिवानी का धर्मवीर से अब रिश्ता गहरा। मैं जयपुर का रहने वाला था। जयपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। जयपुर में वैशाली नगर में खुद के मकान में रहता था। मेरे परिवार में माँ बाप, भाई बहन, भैया भाभी थे। परिवार खुश था। घर में अगर किसी बात की चिंता थी तो बस मेरी शादी की। मेरी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए मेरे माता पिता ने एक योग्य लड़की की तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में जब मेरी शादी की बात चलाई तो एक रिश्तेदार ने उन्हें बीकानेर के गंगा शहर में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की का नाम सुझाया। शिवानी के पिता के पास राहुल के पापा रिश्ता लेकर पहुँचे। सभी परिवार वालों को शिवानी पसंद आ गई थी। शिवानी के माँ बाप 3 बहनों के साथ में रहती थी। शिवानी को देख दिखाई की रस्मों उसके मौसी के घर में जयपुर में हुई थी। लड़का लड़की के पसंद और मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद 28 अप्रैल 2015 को रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ मिलकर हमारी शादी बीकानेर के एक होटल में की गई थी। शिवानी जैसी सुंदर पत्नी पाकर जहां मैं खुश था, वहीं परिवार वालों ने शिवानी को आदर सत्कार और प्यार मान सम्मान दिया। समय अपनी गति से चल रहा था। परिवार में किसी तरह का तनाव नहीं था। सब अपना अपना काम मिलजुल कर किया करते थे। जहां हम लोग रहते थे, हमारे आसपास का लोग परिवार की बहुत इज्जत करते थे। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। पूरे परिवार को देख रेख की जिम्मेदारी शिवानी और मेरे कंधों पर थी। कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। शादी के 4 साल कब बीत गए थे इसका हमें तो एहसास भी नहीं हुआ। मगर 2019 का साल मेरे लिए सुखद नहीं रहा। हमारे दाम्पत्य जीवन को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। हमारे सुखी जीवन में एक आंधी सी आ गई थी जिससे हमारा पूरा दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो गया था। 5 मई 2019 को शिवानी 15 दिनों के लिए अपनी मौसी बहन के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ से वापस आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अब वह सीधी शादी शिवानी नहीं बल्कि स्मार्ट और तेज सर्रार बन गई थी। वह जब से अपनी मौसेरी बहन के घर से लौट कर आई थी, तब से उसका एक नया शौक सामने आ गया था। वह अपना सारा समय मोबाइल पर बिताती थी। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपने मोबाइल के आगे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। राहुल, मैं अपनी ड्यूटी पर अगर शाम को जाता तो दूसरे दिन सुबह लौटता, और जब सुबह जाता तो शाम को रात में 8 बजे लौटता था। इस बीच शिवानी अपना सारा समय मोबाइल और फ़ोन से चिपकी रहती थी। मेरी माँ को बोल देती थी कि माँ जी आज तबीयत ख़राब है, फिर वह फ़ोन पर लग जाती थी। परिवार वालों को लगा कि शायद शिवानी मुझसे थोड़ा सा टाइम चाहती है, लेकिन जब शक गहराया तो मेरी बहन ने उसे पूछ ही लिया, भाई तुम और भाभी सारी सारी रात क्या बातें करते हो। पहले तो मैंने इसका मजाक समझा और कहा, कैसी बातें करती हो पगली, जब मैं ड्यूटी पर रहता हूँ तो फिर मुझे किसी से बात करने का मौका कहाँ मिलता है। क्यों झूठ बोलते हो भाई, बहन ने कहा। भाभी तो अक्सर रात पर मोबाइल पर चिपकी रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हैं। अगर वह तुमसे बात नहीं करती तो फिर किससे बात करती हैं, उसने पूछा। इधर कई दिनों से शिवानी के बदले हुए व्यवहार और बहन की बातें मैंने बहुत ध्यान दिया तो उसका भी माथा ठनका।
और उसने मुझसे कहा कि भाई एक बार भाभी का फ़ोन चेक करना। उनकी इस बातों से मेरा माथा भी ठकने लगा। 7 जून 2019 के दिन मैं जब अपनी नाइट शिफ्ट पर गया तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मैंने कई बार शिवानी को फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। इसका कारण था कि शिवानी ने मेरे फ़ोन को ब्लॉक लिस्ट में कर रखा था। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया। 8 जून 2019 को मैंने अपनी ड्यूटी से जल्दी घर आया तो शिवानी को बेड पर चादर ताने लेटा पाया। मैंने जब शिवानी के ऊपर से झटके चादर को नीचे फेंक दिया और जो देखा तो देखते दंग रह गया। शिवानी का फ़ोन उसके कान के नीचे था। मैंने फ़ोन उठाकर जब कान में लगाया तो उस तरफ से किसी पुरुष की आवाज़ आ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन बोल रहे हो? तो फ़ोन कट गया। और जब मैंने दोबारा फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। इससे नाराज़ होकर मैंने शिवानी को कड़क लहजे में पूछा, वह आदमी कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? कई बार पूछने के बाद जब शिवानी ने अपना मुंह नहीं खोला तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और मैंने अपने आप को नहीं संभाला और शिवानी को एक थप्पड़ जड़ दिया। बात आगे न बढ़े इसलिए घर वालों ने उसी समय मुझे समझा बुझा कर मामला शांत करवा दिया। लेकर मैंने उसका व्हाट्सएप मैसेज शांत हो गया, तो लेकिन अब इस मामले को लेकर उसमें कई चौंकाने मैसेज और आपत्तिजनक फोटो शिवानी के मायके वालों को फोन कर उन्हें शिवानी ने उस अनजान और कहा उसके उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, न्यूड होकर फोटो डालने का भी लिखा हुआ था, कुछ बता नहीं रही। शिवानी ने उस मैसेज का जवाब लिखा था, उससे बात कल तो भेजे थे, दूसरे दिन आज अनजान शख्स से मैं और शिवानी को बस लिखा कि न्यूड उसके मायके कपड़ा लिए रवाना हो। इसी बीच राहुल ने जब उस नंबर पर ट्रू कॉलर पर जाकर चेक किया तो उसके होश ही उड़ गए थे। वे सभी लव मैसेजेस किसी धर्मवीर नाम के व्यक्ति के लिए थे। उसमें से कुछ मैसेज ऐसे थे जो काफ़ी अश्लील थे, इतने अश्लील कि मैं बता नहीं सकता। वह मैसेज पढ़कर तो मुझे भी शर्म आ रही थी। धर्मवीर ने एक मैसेज में लिखा था, जो मैंने तुम्हें बच्चा गिराने की बात बोली थी क्या वो काम हो गया? शिवानी ने जवाब में लिखा था, जब वो पागल यानी मैं मेरी फ्रेंड का घर छोड़कर मुझे आया था, उसी दिन मैंने उसका बच्चा जो मेरे पेट में था गिरवा कर आ गई थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि शिवानी भरोसे के लायक नहीं है। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि ये कैसी माँ है जिसे अपना बच्चा अपने कोख में ही मार डाला। मैं मान चुका था कि शिवानी धर्मवीर से गहरा रिश्ता हो गया है। उस समय तो मैं पत्नी के बेवफाई का घूंट पीकर रह गया, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसका मेरा गुस्सा शिवानी पर 7वें आसमान पर हो गया। उसने धर्मवीर और शिवानी के सारे मैसेजेस उसके मायके वालों को सामने रख दिए और उस पर धर्मवीर के लिए दबाव डाला, लेकिन शिवानी धर्मवीर को लेकर टस से मस नहीं हुई। मैंने बोला कि माँ ये झूठ बोल रही है, ये मैसेज इसने ही डाले हैं मुझे बदनाम करने के लिए। तो मैं बोला, तो न्यूड फोटो मैंने तुझसे तेरी कब खींच ली? शिवानी बोली, माँ ये गंदा झूठा आदमी है, इसने ये फ़ोटो रात का या बाथरूम में कैमरा लगाकर क्लिक करे हैं। इसके बाद मायके वालों ने जो मैंने मैसेज दिखाए थे वो देखने के बाद भी कहने लगे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती है। उन्होंने मुझको ही समझाया कि मेरी अपनी पत्नी को ऐसा झूठा बदनाम नहीं करो, और समझा बुझा कर वापस ससुराल ले जाने के लिए कहा,
लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब वो मेरे साथ नहीं रहेगी और न ही वापस ससुराल आएगी, अब वह अकेली रहेगी। उसकी यह सब बातें सुनकर अब तो मैके वाले भी उसका साथ देने लगे थे। परिवार और रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट शिवानी को मिल गया। शिवानी किस हद तक गिर चुकी है किसी ने नहीं सुना और न ही इसके बारे में बात करी, उल्टा उसके परिवार वालों ने सिर्फ उसका साथ दिया। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि एक महिला को शादी के बाद अपने पति से इस प्रकार की बेवफाई करनी चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।